हेलो, वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की इंग्लिश बुक लेसन 2, द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कॉन्टेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो बच्चों, चलिए आइए देखते हैं लेसन 2। नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, एक ऐसा बच्चा जिसकी भूख ही खत्म हो गई। इस लेसन को पढ़ने से पहले एक सवाल है, उसका जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, आपको कौन सा फूड सबसे पसंद है, टेस्टी लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एन्जॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू एन्जॉय इट। तो अगर आपको कहा जाए कि आप घर में रहिए, कोई काम काज मत करिए, आपको जो है टेस्टी टेस्टी फूड मिलता रहेगा, तो क्या आप ऐसा करेंगे? चलिए देखते हैं लेसन में क्या दिया है, इस लेसन के माध्यम से हमें क्या जवाब मिलता है। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन, श्याम जो है यह एक धनी आदमी है। वेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। तो उसके पिता की समय से पहले जब मृत्यु हो गई तो वह अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, सारा धन संपत्ति का मालिक बना। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जेरियस लाइफ, और इस प्रकार जो है वह एक विलासतापूर्ण लग्जेरियस लाइफ जो है बिताना शुरू कर दिया। He ate rich food and lay in bed all day. वह अच्छे अच्छे जो है खाना खाता और दिन भर बेड पर पड़ा रहता। As a result, he did not find any food tasty. जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे अब कोई फूड अच्छा ही नहीं लगता था, कोई खाना अच्छा नहीं लगता था। Months passed, समय बीता गया, महीनों बीते गए। One day, एक दिन ऐसा हुआ, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. स्वभाव से तो वह बहुत ही लेजी था, आलसी था, बट उसके दोस्त लोग जो शिकार पर जा रहे थे वह भी शिकार में जाने पर जाने के लिए राजी हो गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, वह घुड़सवारी ज़्यादा तेजी से करने का उसे आदत नहीं था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए जब वो जंगल में गया तो अपने दोस्तों से वो काफ़ी पिछड़ गया। ही गॉट लॉस्ट एंड वांडर्ड अवे इन द वुड्स, और इस प्रकार वो अपने दोस्त से बिछड़ करके जंगल में जो है रास्ता भटक गया। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this, और इस प्रकार वो 6 से 7 घंटे उसे लग गए इधर उधर भटकते भटकते। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंगरी, और उसे अब जो है थकावट और भूख दोनों लग गई। सडनली ही saw a peasant's hut, अचानक उसे एक किसान का झोपड़ा दिखाई दिया। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड, वह अपने घोड़े पर उस घर के निकट पहुंचा और उस किसान से खाने के लिए थोड़ा खाना मांगा। आई एम अ पुअर मैन, उस किसान ने जवाब दिया, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, सेड द पीजेंट्स, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। तो चूंकि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ रोटी और दाल है, अगर आपको पसंद है तो आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ यह खाना खा सकते हैं। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, उस यंग आदमी को बहुत ही भूख लगा हुआ था। ही रियली लव्ड द फूड, उसने वह खाना खाया, उसे वह फूड बहुत ही पसंद आया। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, आज उसे खाना इतना टेस्टी और सुंदर लगा कि वो जो भी खाना अपने घर में खाया करता था बढ़िया बढ़िया, वो सारे खाने का स्वाद आज फीका पड़ रहा था इस दाल रोटी के सामने। ही थैंक्ड द पीजेंट्स हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, इस प्रकार खाना खाने के बाद उस किसान ने उसे घर जाने का रास्ता भी बताया और उस यंग
मैंने उसे किसान को धन्यवाद दिया। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड। और इस प्रकार वह किसान के सलाह पर घर पहुंचा, आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। और इस प्रकार वो जो है फिर अपना वही धंधा, आलस से बेड पर सोया पड़ा रहना और अच्छे अच्छे फूड मंगा करके खाना शुरू कर दिया। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। और इस प्रकार उसका खाना जो है फिर टेस्टलेस हो गया। और ही वॉन्डर्ड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। और आज भी वह सोचता है कि वो जो दाल रोटी उस दिन उसे इतना टेस्टी क्यों लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है मेहनत करके ही खाना चाहिए, और मेहनत करके खाना खाने पर जो खाने का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। और आलस में बैठे बैठे अगर हमें टेस्टी फूड भी मिले तो हमें वो भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो अंत में कुछ शब्द हैं जिसकी मीनिंग हमें जानना चाहिए। वह है एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख। लग्जरियस, लग्जरियस मीन्स सानो शौकत। लैगिंग, लैगिंग मीन्स पीछे छूट जाना। वांडर्ड, वांडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना। पीजेंट, पीजेंट मीन्स किसान। वांडर्ड, वांडर्ड मीन्स गंभीरता से सोचा। और अंत में एक दो सवाल का जवाब जान लेते हैं। पहला है, व्हाई डिड सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। तो आंसर है, सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स बिकॉज ही डिड नॉट यूज टू राइड फास्ट। सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो आंसर है, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही स्टार्टेड लिविंग अ लग्जेरियस लाइफ। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। थैंक यू।